दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर और इंटरनेट यूजर्स ने ट्रोजन, मैलवेयर, वर्म्स और वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। अब ये सब क्या है, ये आपके सिस्टम को कैसे खराब कर सकते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं, यही सब बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगी, गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge, गैलेक्सी A5 और गैलेक्सी A7 का जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो भी चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप एंटर कर लीजिए ताकि आप इनमें से कोई ना कोई मोबाइल फोन जीत पाए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, सुना है, समझा है, जाना है ट्रोजन, वायरस, मैलवेयर, वर्म्स के बारे में, उन सभी को एक बार आप साइड में रख दीजिए और अभी के लिए एकदम हम फ्रेश शुरुआत करने वाले हैं। और हम शुरुआत करने वाले हैं मैलवेयर से। दोस्तों, मैलवेयर का पूरा नाम होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ठीक नहीं है और एक बार अगर वो आपके सिस्टम में आ गया तो आपके सिस्टम को खराब कर सकता है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैलवेयर कहां कहां से आपके सिस्टम में आ सकता है। तो देखिए, सबसे कॉमन सोर्स आज की डेट में जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर आप किसी मैलिशियस वेबसाइट पे हैं, अगर आप कुछ पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या गेम्स को यूज करते हैं, अगर आप पायरेटेड मूवीज को यूज करते हैं, अगर आप किसी मैलिशियस वेबसाइट पे किसी एड पे क्लिक करते हैं, या फिर अगर आपके पास में कोई ईमेल आता है मैलिशियस, तो इन सभी सोर्सेज से ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में जो है एक मैलवेयर आ सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन अगर आप किसी अननोन सोर्स से किसी CD, DVD या पेनड्राइव को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो वहां से भी मैलवेयर आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में आ सकता है। अब दोस्तों देखिए, मैलवेयर जो है वो तीन टाइप का होता है, वायरस, ट्रोजन और वर्म्स। तो ये जो है तीनों ये अलग अलग हैं और तीनों का अलग अलग काम है और तीनों अलग अलग तरीके से आपके सिस्टम में नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। तो देखिए, वायरस क्या करता है कि आपके सिस्टम में किसी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें वायरस आ गया, उसको अगर वायरस ने करप्ट कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो जंक बन जाएगा, आप उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। और यह हो सकता है कि वो आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ही करप्ट कर दे पूरा का पूरा। और ऐसे में अगर आप एक बार किसी करप्टेड फाइल को कॉपी करते हैं या किसी से शेयर करते हैं तो वो वायरस दूसरे कंप्यूटर में जाके, दूसरे सिस्टम में जाके उसको भी खराब बना देता है। दोस्तों दूसरी कैटेगरी होती है वर्म्स की। तो देखिए, वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वर्म आ गया है तो वो अलग अलग फाइल्स की बहुत सारी कॉपीज बना देगा, धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा। और अगर आप उस फाइल्स को या कहीं से भी अगर आप कुछ भी दूसरे कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करते हैं तो वो उसमें भी जाएगा और वो सेम तरीके से मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स बना बना के आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। दोस्तों तीसरी जो कैटेगरी है वो है ट्रोजन। और ट्रोजन क्या होते हैं, वो एक भेष बदल के आपके कंप्यूटर में आते हैं। आपको लगता है कि वो एक अलग, एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन वाकई में वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेमोरी क्लीनर होते हैं बहुत सारे होते हैं कि एंटीवायरस हैं, बहुत सारे होते हैं कि स्पीड बूस्टर हैं। तो ये सभी जो है वो ट्रोजन हैं। आपको लगेगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट करेंगे, आपको लगेगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको अच्छा कर देंगे, लेकिन एक बार वो अपने कंप्यूटर में आ गए, एक बार आपके सिस्टम में आ गए, उसके बाद में वो अपना असली रूप दिखाते हैं और आपके कंप्यूटर को स्लो बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ वो एक नया दरवाजा खोल देते हैं और नए नए तरह तरह के वायरस, ट्रोजन और वर्म्स के लिए। दोस्तों बेसिकली मालवेयर जो है वो इन तीन वैरायटी का होता है। एक और चीज भी है, स्पाईवेयर, वो एक अलग है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको बताता हूं कि मालवेयर से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे कॉमन चीज तो ये है कि अपनी समझ का आप पूरा इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस का यूज कीजिए। कि आप कभी भी इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो, वो एक पॉपुलर, एक बड़ी, एक अच्छी वेबसाइट हो। आप ऐसे ही कभी भी किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी लिंक पे क्लिक करके मत जाइए। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी तरह तरह के एड्स आते हैं कि आईफोन जीत लो, लॉटरी लग गई है, बात कर लो मुझसे, जो भी तरह तरह के एड्स आते हैं, तो उनमें से किसी भी एड पे कभी भी क्लिक मत कीजिए। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी ईमेल आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आप जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, तरह तरह के जो ईमेल्स आपको पता है किस तरह के आते हैं, तो उन ईमेल्स को भी कभी भी ओपन मत कीजिए। तो ऑनलाइन जो है वो आप इन सब चीजों को ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस, एक अच्छा एंटी मैलवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी और एक रिकमेंडेड बात होगी। ध्यान दीजिए कि ये सॉफ्टवेयर एक पेड वर्जन होना चाहिए, एक लाइसेंस्ड कॉपी होनी चाहिए। अगर आप पायरेटेड यूज करेंगे या अगर आप फ्री वाला यूज करेंगे तो आप मान लीजिए मेरी बात, कुछ भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। तो एक पेड वर्जन, फिर चाहे वो नॉर्टन हो, मैकेफी हो, AVG हो, क्विकहिल हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट एक पेड सॉफ्टवेयर आपके पास में एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर के लिए होना चाहिए। उसके अलावा आप पायरेटेड कंटेंट अगर डाउनलोड ना करें या यूज ना करें तो अच्छा होगा, आपके लिए एक एडिशनल लेयर बन जाती है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि पायरेटेड मूवीज के अंदर आपको साथ में कुछ वायरस वगैरह आता है, लेकिन हो सकता है, तो बचने के लिए आप उनको भी रोक सकते हैं। उसके अलावा किसी भी अननोन सोर्स, चाहे वो USB हो, CD हो, DVD हो, उसको अपने कंप्यूटर पर लगाने से पहले
आप एक बार कंफर्म हो सकते हैं कि वो जो जहां से आई है वो ठीक सोर्स है भी या नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड के लिए कोई फाइल कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप अपना पूरा सिस्टम खराब करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक अच्छी ब्रांड का एक अच्छा बेसिकली एक पेड अगर आपके पास में एंटीवायरस है या एंटी मैलवेयर है तो एक अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज बचिए कि आप किसी भी पेन ड्राइव को उठा के कोई भी गाने मूवीज वगैरह कॉपी करते हैं तो ऐसे में आपका सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी कभी भी अगर अटैक में आ गए तो पूरा खराब हो सकता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में पहले से मैलवेयर है, उसको निकाल कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप किसी भी एंटीवायरस का किसी भी अच्छे एंटी मैलवेयर का यूज कीजिए, तो आपने उस मैलवेयर को क्लीन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंटीवायरस कुछ एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी उनको क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करते हैं, हार्ड ड्राइव को आप कंप्लीटली इरेज करते हैं, तो आप उनसे बच सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फायरवॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो देखते हैं यहाँ पे फायरवॉल क्या है। तो अगर आप अपने इंटरनेट सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे फायरवॉल को यूज कर सकते हैं, किसी भी अच्छी एंटीवायरस कंपनी का आप एक इंटरनेट सिक्योरिटी जो पैकेज है वो भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि ऑनलाइन जो आपके पास में थ्रेट्स आ सकती थी तो वो नहीं आ पाएंगी, और ऐसे में आप अपने कंप्यूटर को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैलवेयर ट्रोजन वायरस और वर्म्स के बारे में बताई गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप जान गए होंगे इन सब चीजों के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।